जाफराबाद पिपरिया में मेवाती समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग को लेकर यह संघर्ष हुआ है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को पूर्व में सूचना दी थी, लेकिन पुलिस रात्रि में भी गांव में नहीं पहुंची, जिसके बाद ये सब हो गया। इस संबंध में जब देहात थाना प्रभारी से मीडिया ने बात करना चाही तो वह कैमरे पर कुछ भी नहीं बोले। मृतक युवक का नाम चंदू खान है और इसी का दूसरे पक्ष की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुरक्षा की दृष्टि में शासकीय अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जान से काट कर जान से मार डाला और अपने कामी को भी जान से वो मार के कोसे तरना का छेड़ दे के घायल कर रखा है और अपने कामी को भी जान से मार डाला और अपने कामी को भी मार के कोसे तरना का छेड़ दे के घायल कर रखा है जल्लू और अपने कामी को भी कर दिया और अपने कामी को भी रईस और कामी को चार चार उनके भाई को सामने जाकर जल्लू जिसकी शादी होने वाली 20 दिन बाद, उसका मासूम मेवाती के लड़के चंदू से कुछ संबंध थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई थी, उसको लेके झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मासूम मेवाती की लड़की चंदू से बातचीत हुई। कितने लोग घायल हैं सर और दो मृतक हैं, एक मृतक के क्या नाम है सर? उसमें मृतक का एक है मासूम मेवाती का लड़का है, उम्र 20 साल है। सर परिवार वालों का आरोप लगा है कि पुलिस की लापरवाही से ये खूनी संघर्ष हुआ है, सर इसमें क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ ठीक पार्टी से पैसे लेके पुलिस दब गई, हमने किया कि जहाँ पुलिस परमानेंट बनी रहना चाहिए, कोई आदमी का गलत लड़ाई उपयोग ना हो। कितने लोग घायल हुए? कम से कम करीब 25-30 लोग घायल हो गए, एक आदमी चंदू भाई मतलब खत्म हो गई। क्या नाम है उनका? चंदू भाई। उम्र क्या होगी? मासूम भाई 17-18 साल की, 17 साल उम्र है मासूम भाई का लड़का है। और कोई पुलिस सुनवाई नहीं करी, पुलिस मौके पर मटर होगा जब हमारे गाँव जाफराबाद पिपरिया पहुंची। पुलिस अगर मौके पर रहती तो घटना नहीं घटती? कोई घटना नहीं होती, पुलिस से हमने किया था कि ना जी रात भर बनी रहना, रात में भी फोन लगा देता, कभी भी मतलब दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना? क्या पुलिस की पूरी लापरवाही है ये? हाँ, पुलिस की लापरवाही, इसलिए हमने किया था साफ बंदा, जहाँ कभी भी मतलब मटर हो सकते हैं, हमने कभी दोपहर में बता दिया कि जगह जगह हमारी समाज मतलब एक फोन होकर कभी भी मतलब दुर्घटना हो सकती है, तो हमने पहले कह दिया था और राजी पुलिस से कह दिया था कि कभी भी सब मटर हो सकते हैं। गंज बसोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। बैंक के आसपास एवं शादी समारोह में रुपयों से भरा बैग चोरी करने अथवा काट कर रुपए उड़ाने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए 4 आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसपीडी कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले दिनों गोगावा के बैंक में पूनम चंद निवासी सुरपाला की थैली काटकर 35,000 रुपये चुरा लिए गए थे। ये वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी दिन खरगोन के राधा वल्लभ स्थित बैंक के सामने से 51,000 रुपये से भरा झोला चोरी होने व भेड़िया में एक मोटरसाइकिल से करीब 1,20,000 रुपये का बैग चोरी होने की शिकायतें पुलिस को दर्ज कराई गई थी। तीनों मामले गोगावा, भेड़िया और खरगोन थाने पर दर्ज है। तीनों चोरियों में बैग चोरी जाने और सीसीटीवी से मिले हुलिये के आधार पर तीनों थाने की अलग अलग टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच फिर से वारदात करने की नीयत से ये लोग अहिरखेड़ा की ओर गए, जहां संदेह के आधार पर बिना नंबर की कार से जा रहे सचिन सिसोदिया एवं बलदेव दोनों निवासी राजगढ़ और 2 नाबालिग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने रोका और सख्ती से पूछताछ की, जिस पर इन युवकों ने तीनों वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर की कार,
29,000 नगद जब्त किए गए। ये 28 मार्च को एक चोरी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से बाहर आते हुए उसका बैग का चोरी हो गया था, जिसमें रफली 51,000 रुपीस थे। तो इसी को ट्रैक करते रहे, तो उसी दिन हमारे पास दो और चोरी हुई थे। एक गोगावा थाना क्षेत्र में, वहाँ 29,000 रुपीस का हुआ था, और एक हमारा बेड़िया थाना क्षेत्र में 1,20,000 ये चोरी हुई थी। तो इसको पूरा हमने ट्रैक करने लगा, इन्वेस्टिगेशन करने पर एक कुछ व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति का हमारे पास जानकारी मिली। तो उसी इसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एक सफ़ेद गाड़ी A10 में आ रहा है, और उसके लिए चेकिंग हमने लगाया था। इस चेकिंग के दौरान हमने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसका नाम है सचिन सासी। और इसको जब पकड़े तो इसके साथ 3 और लोग थे, 2 बच्चे थे और एक बलदेव सासी। तो ये दोनों लोगों को हमने जब पकड़ा, तो सचिन सासी का ऑलरेडी रिकॉर्ड हमको पता चला कि पीतमपुर में भी इसका एक पुराना रिकॉर्ड है, और इसी में हमने पूछताछ करना शुरू किया। तो उन्होंने चोरी का बात माना था, और गोगावा और इनका और इन्फॉर्मेशन उसने बताया, गोगावा, बेड़िया और खरगोन का। तो अभी हमने उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अग्रिम कार्रवाई उसके बाद। अभी इसके यहाँ से 19,000 रुपये हमने जब्ती, 29,000 रुपीज़ हमने जब्ती की है, और उसका एक गाड़ी बिना नंबर का A10 का गाड़ी था, वो भी हमको अभी उसको भी विचाराधीन रखे हैं कि क्या ये कहाँ से कैसे आया है। सर, ये वारदात अंतर्राज्यीय गिरोह का है क्या, इस और भी तार जुड़े हैं, कैसा कुछ आया सामने? इसमें अभी विवेचना अभी जारी है। ये दूसरे ज़िले से आते हैं, जैसे राजगढ़ जैसे ज़िले से आते हैं, और ये कार्रवाई यहाँ करके वापस जाते हैं। तो इसका कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट हुआ ये भी देखी जा रही है। और भी खुलासा होने की संभावना है? बिल्कुल, ये और भी हम जो इन्वेस्टिगेशन अभी पूछताछ में चलेगा, और जो हमको जानकारी मिलेगी उसी के हिसाब से और भी जानकारी मिल सकता है। खरगोन से नौशाद खान की। चलित न्यायालय, कोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग यात्रियों से भरी बसों पर इंदौर रोड स्थित मधुमिलन चौराहे पर की चालानी कार्यवाही, जिसमें करीब 18 बसों के चालान बनाए और 36,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कार्यवाही का बस संचालकों पर असर हो न हो, लेकिन इसमें बैठे यात्री अच्छे खासे परेशान हुए हैं। बस चेकिंग की बात जैसे ही फैली, बस वालों ने इंदौर से आ रही सवारियां बाईपास पर ही उतार दी और पूरा किराया भी वसूल लिया। इंदौर में वापस घर लौट रहे महिलाएं और पुरुष, कॉलेज के छात्र छात्रा परेशान होते रहे। वैकल्पिक सवारी वाहन नहीं मिलने से कुछ लोगों ने घर फोन कर परिजनों को लेने बुलाया, तो कुछ लोग पैदल ही सफ़र तय कर लिया। इसी दौरान कुछ बस वाले बाईपास होते हुए बालगढ़ से विकास नगर चौराहे से भी निकल गए। बस वाले ने आपको इधर क्यों उतारा गया, जो आप डेली हमें तो पता भी नहीं, यहाँ पे बोले आरटीओ खड़े हैं, तो इसलिए। तो मैडम, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? आपने किराया तो पूरा दिया होगा और रोज पूरा। हाँ, फिर यहाँ से आप क्या साधन से जाओगे आप? मैम, यदि मैजिक नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे आप? दूर भी पड़ जाते हैं यहाँ से, तो पैदल भी नहीं जाते। और हम लोगों ने सबने बोला भी कि वहाँ पर, आपका नाम बताओ। बस वाले ने राधे रास्ते में उतार दिया और बोला कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगी, यहाँ से बस बाईपास से सीधे उधर जाएगी बस स्टैंड। आगे कुछ लफड़े चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ उतार रहे हैं। आप इंदौर से आए? हाँ। किराया बुरा लगा आपको? हाँ, किराया। तो आपने वापस मांगा नहीं किराया कि भैया यहाँ उतार जाओ, किराया दो? भैया उनने बस एकदम भगा ली यहाँ से। कौन सी बस थी भैया, नाम बताओगे? बस कौन सी बस में आया था? चौहान बस। ठीक है, आपका नाम बता दो। आपका नाम? आपका बता दो। राज ठाकुर। क्या है? आज चलित न्यायालय कोर्ट लगी थी मधुमिलन पे, जिसमें 18 बसों को अतिरिक्त सवारियां पाए जाने से पकड़ा, उनके चालान बनाए, जिन पर 35,000 रुपये का फाइन किया गया न्यायालय द्वारा। सर, तो ये जहाँ ये यहाँ पर बस रुकी थी, तो यहाँ की जो सवारी उतारी वो फिर कैसे, क्या कोई सवारी नहीं उतारी यहाँ पे, सब के चालान बना के बसें अपने अपने गड्ढों पर रवाना हो गए। आपका नाम? रमेश मांझी, थाना यातायात देवास। देवास से विशाल डोंगरे के साथ नितिन राठौर की रिपोर्ट। एंकर 6।
जिला मुख्यालय से करीब 19 किलोमीटर दूर ग्राम सुनेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम उकावता की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वहीं आंगनवाड़ी सहायिका बेहोशी की हालत में पाई गई। ग्रामीण इसे भूतप्रेत से जोड़कर देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये पहली ऐसी घटना नहीं है, जबकि पहले भी यहाँ ऐसे हादसे हो चुके हैं। घटना शनिवार सुबह की है, जब ग्राम उकावता की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साबरा बी और साबिया बी सुबह 9 बजे आंगनवाड़ी पहुंची। साबिया बी ने साबिया बी को बच्चे लेने गांव भेज दिया। करीब एक घंटे बाद जब साबरा बी पहुंची तो वहां से साबिया बी गायब थी, लेकिन आंगनवाड़ी में उसका मोबाइल, चप्पल, कपड़े वहीं रखे हुए थे। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। इस बात की जानकारी जब गाँव वालों को लगी तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साबरा बी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस में जैसे ही साबरा बी को बिठाया वह होश में आ गई। आंगनवाड़ी पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को भी चौंकाने वाले बयान दिए। वे इस पूरे मामले को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी में भूत प्रेत हैं, यहाँ पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और भूत प्रेत जिन्हें उठाकर ले जाते हैं उन्हें 2 से 3 घंटे बाद छोड़ भी जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आंगनवाड़ी भवन में एक चूहे का बिल है जिसमें धन गड़ा हुआ है। इस बिल को जो भी छूता है या छूने का प्रयास करता है तो वो गायब हो जाता है या बेहोश हो जाता है। सुनेरा थाने के प्रभारी इंचार्ज को ग्रामीणों ने ये बयान दिए हैं और उन्हें मीडिया को भी इस मामले से अवगत करवाया है। सर, ग्राम उकावता का एक मामला आया है किडनैपिंग का, क्या है पूरा मामला सर? वो किडनैपिंग तो नहीं कह सकते, सूचना मिली थी कि वहाँ एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में एक महिला बेहोश पड़ी है और एक गायब है। वहाँ गए थे तो जो बेहोश थी वो होश में आ गई थी, उसके द्वारा ये बताया गया कि मैडम 9:30 बजे करीब वहाँ आ गई थी, उन्होंने कहा बच्चे ले आओ तो हम बच्चे लेने गाँव में चली गई और करीब 1.5 घंटे बाद आई तो मैडम वहाँ नहीं मिली, तो मैं घबरा गई और मैं बेहोश हो गई थी। अब वो किसके साथ गई हैं, कौन उनको ले गया है या वो अपनी मर्जी से गई मुझे पता नहीं है सर, ऐसा बताया। लेकिन वहाँ जो गांव वाले और वो थे तो उनका ये कहना था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और वो उसको गायब कर देते हैं और 2-3 घंटे बाद घर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार बोले पूर्व में भी बेहोशी के और इस प्रकार की घटना हुई है, तो अन्य लोगों का इस प्रकार का अंधविश्वास था कि बातें कर रहे थे कि वो कोई बहुत प्रेत उसको उठा ले गए। उसके पिताजी वगैरह भी आ गए थे, तो उनको सबको बोला है मैंने रिपोर्ट करने का। अब वो अगर रिपोर्ट करते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो बालक लड़की है, 35 साल की है और क्या सिचुएशन बनती है वो बताते हैं हम 2-3 घंटे बाद, जैसे उनके पिताजी आते हैं रिपोर्ट करने, रिपोर्ट दर्ज की जाए। सर, आपने भी मौका मुआयना किया, आपको क्या लगा? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा, हमें तो ये लगा कि उसका मोबाइल भी वहाँ रखा था, बैग भी रखा है कुर्सी पे, कमरा सब व्यवस्थित है। वहाँ एक साइड में कुछ चूहों के द्वारा खुदा हुआ था, वहाँ लोग कह रहे थे कि इसमें धन गड़ा रहेगा, तो बोले इसमें जो हाथ लगाता है वो लगाता है, उनको भूत प्रेत उठा ले जाते हैं या उनके साथ घटनाएं होती हैं। एक महिला बेहोश भी मिली है? बेहोश मिली नहीं थी, जब मैं गया हूँ तब तो होश में थी, हो गई थी वो बेहोश। उसको जैसे ही FRB में बैठा ला वैसे ही वो उठ के बैठ गई थी, और फिर उसने जो बताया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो महिला गायब हुई इसका क्या नाम है? इसका समीरा पार्वती। ये क्या काम करती है? ये आंगनबाड़ी में जो सहायिका रहती है वो है और ये पनवाड़ी के रहने वाली है। पनवाड़ी राजापुर से विनोद जोशी की।